आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेट लॉस के कारण के बारे में। देखिए, वैसे तो आमतौर पर हर किसी के वेट में चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि किसी का वेट 55 kg है और अगर इसका वेट 54 kg या फिर 56 kg हो जाता है तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। मीन्स यदि हम एक सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और हमारे वजन में हल्का फुल्का चेंजेस हो रहा है तो वह एक सामान्य प्रोसेस है। पर यदि किसी का वेट अचानक से तेजी से कम होने लगता है तो ऐसा किसी बीमारी के कारण हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं कारणों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, मेडिकल साइंस के अनुसार वजन कम होने के मुख्यतः 4 कारण होते हैं। तो हम इन 4 कारणों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यदि आपका वजन तेजी से कम हो रहा है तो आपको इन कारणों के साथ अपने सिम्टम को मैच करते चलना है, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को जान सके। तो यहाँ पर वेट लॉस का पहला कारण है कैलोरिक मेल न्यूट्रिशन। मीन्स हमारी बॉडी को डेली जितनी कैलोरी की जरूरत होती है तो वो नहीं मिल पा रही है। तो इसके भी मुख्य 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है फास्टिंग। या तो हम भूखे रहकर अपनी बॉडी को उतनी कैलोरी नहीं दे पा रहे हैं जितनी उसे डेली चाहिए होती है। और इसका दूसरा कारण है कैलोरी डेफिसिट, मतलब हम कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हैं। यानी कि यदि हमारी बॉडी को डेली 2500 कैलोरी की जरूरत होती है तो हम केवल 2000 कैलोरी या उससे कम कैलोरी ही ले रहे हैं, इससे हमारा वेट कम हो जाता है। तो ऐसे लोग जिनका वेट बहुत काफ़ी बढ़ चुका है तो वे कैलोरी डेफिसिट में खाकर अपने वेट को कम भी कर सकते हैं। इसके बाद वेट लॉस का दूसरा मुख्य कारण है मेल एब्जॉर्प्शन। तो देखिए, इसमें क्या होता है, यदि हम सही मात्रा में खाना तो खा रहे हैं पर यदि वो खाना हमारे पेट में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है या फिर हमारे शरीर को नहीं लग रहा है तो ये भी वेट लॉस का एक मुख्य कारण हो सकता है। तो इसके भी कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि पैंक्रियाटिस यानी कि पैंक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाना, लीवर में इन्फेक्शन हो जाना, सीलिक डिसीज आदि। एंड वेट लॉस का तीसरा मुख्य कारण है डिसीजेज यानी कि बीमारियां। देखिए, कुछ बीमारी ऐसी होती है जिनके हो जाने से हमारा वजन तेजी से कम होने लगता है। तो इसमें भी 2 तरह की डिसीज होती है, एक होती है एक्यूट डिसीज और दूसरी होती है क्रोनिक। एक्यूट बीमारी ऐसी बीमारी होती है जो कि ज़्यादा पुरानी नहीं होती या फिर हमें कुछ ही दिनों के अंदर हुई होती है, जबकि क्रोनिक डिसीज ऐसी डिसीज होती है जो कि काफ़ी लंबे समय से होती है या फिर हम इन्हें पुरानी बीमारी भी कहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एक्यूट डिसीज की, जिसमें कि टाइफाइड आता है। तो देखिए, यदि किसी को टाइफाइड हो जाता है तो उसका वेट अचानक से कम होने लगता है। टाइफाइड के सिम्टम्स हैं मसल पेन, हाई फीवर, हेडेक एंड रैसेस, मीन्स मांसपेशियों में दर्द, तेज बुखार, सर में दर्द और बॉडी पे रैसेस हो जाना। अब हम बात करते हैं क्रोनिक डिसीज की, यानी कि ऐसी बीमारी जो कि काफ़ी लंबे समय से होती है। तो उसमें पहली बीमारी है टीबी। देखिए, टीबी जिसे ही हम आम भाषा में क्षय रोग भी कहते हैं, यह एक बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी है। इसमें मरीज को लंबे समय तक खांसी आ सकती है एवं रात को उसे बुखार भी रहता है और उसका वजन तेजी से कम होने लगता है। इसके बाद दूसरी बीमारी है डायबिटीज़, जिसे कि हम आम भाषा में शुगर या फिर मधुमेह की बीमारी भी कहते हैं। यदि किसी को हो जाती है तो उसका वजन भी तेजी से कम होने लगता है। इसके मेन सिम्टम्स हैं पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया, यानी कि इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और इसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और इसे बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। तो ये सभी डायबिटीज़ के मेन सिम्टम्स हैं। इसके बाद अगली बीमारी है हाइपरथायरॉयड। तो हाइपरथायरॉयड में भी पेशेंट का वेट तेज़ी से कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हाइपोथायरॉयड की उल्टी बीमारी होती है, यानी कि इसमें हमारा TSH कम हो जाता है जबकि हाइपोथायरॉयड में हमारा TSH बढ़ जाता है। तो इसमें हमारी सारी जो बॉडी की एक्टिविटी होती हैं वो सभी बढ़ जाती हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी को ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है और जिससे हमारा वेट बहुत तेज़ी से कम होना स्टार्ट हो जाता है। और वेट लॉस या फिर वजन कम होने का लास्ट कारण है मैलिग्नेंसी या फिर कैंसर। तो देखिए, हमने इसे लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि आपको पहले दूसरी बीमारियों के कारण को रूल आउट करना चाहिए और लास्ट में ही यहाँ पर पहुँचना चाहिए। देखिए, कैंसर के कारण भी जो पेशेंट है उसका वेट बहुत ही जल्दी कम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी में किसी भी रीजन में अनकंट्रोल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा कैलोरी की जरूरत होती है। इसलिए हमारी सारी कैलोरी उसी में वेस्ट हो जाती है, जिससे हमारा वेट बहुत ही जल्दी कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सभी कारण हैं जिनके कारण हमारा वेट कम हो जाता है। तो इस तरह से आप जान पाएंगे कि आपका वजन तेजी से कम क्यों हो रहा है, और यदि आपके सिम्टम किसी बीमारी से मिलते हैं तो आपको उसकी जांच करानी चाहिए। थैंक यू।